जिला न्यायालय परिसर में हुआ नेशनल लोक अदालत का आयोजन। ऐतिहासिक फैसले में मोटर दुर्घटना दावा के अंतर्गत 98 लाख का हर्जाना। सिटी कोतवाली पुलिस की सफलता, 12 घंटों के अंदर लूट का किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। सिल्लेवानी घाटी में दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में लगी आग, ड्राइवर और क्लीनर दोनों सलामत। सरसों के तेल से भरा था ट्रक। और भक्तों के बीच दर्शन देने पहुंचे भगवान जगन्नाथ, भक्तों ने खींचा भगवान का पावन रथ। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। जिला न्यायालय परिसर में आज व्यापक इंतजाम के बीच नेशनल लोक अदालत के आयोजन का एक और सफल सोपान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस भदौरिया के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस भदौरिया ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बैस एवं न्यायाधीशगण तथा गणमान्य वरिष्ठ अधिवक्तागण मौजूद थे। नेशनल लोक अदालत में कई अनोखे क्षण भी देखने को मिले, जब बिछड़ने को तैयार जोड़े भी वापस जीवन साथी बन गए। जीओ, अच्छे से जीओ, यही लाइफ है। हम एक दूसरे को डालो भाई, आप भी इस पर, आप लोग एक दूसरे को डालिए, चलिए। हां, इसलिए आप फिर से करा दे रही है जवान आप। चलिए चलिए, दो तीन बार सिटिंग लगी, दो तीन सिटिंग में मार में बार बच्चे को ले जा रहे हैं।
जिला एवं सत्र न्यायालय में आज नेशनल लोक अदालत में एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया। जब 2015 में हुए एक सड़क हादसे के पीड़ित आवेदक एवं बीमा कंपनी के मध्य समझौते के आधार पर जिला न्यायाधीश ब्रजेंद्र सिंह भदौरिया ने 98 लाख का अवार्ड पारित किया। यह भुगतान हर्जाने के रूप में बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। सिंघवाड़ा और आसपास के जिलों में जानकारी में चलिए पत्रकार है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी लिख रहे हैं। आज नेशनल लोक अदालत में छिंदवाड़ा जिला अदालत में एक ऐतिहासिक अवार्ड पारित किया गया, जिसमें कि 98 लाख रुपए का प्रतिकर जो है प्रदान किया गया है। ये मामला जो है दिनांक 5/7/2005 को विवेक डहरिया नाम के जो HDFC में कार्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे, वे बेंगलोर एयरपोर्ट से अपनी कार में जा रहे थे और उनको जो है कार जो जिसकी टाटा AIG कंपनी की पास बीमित थी जो कार, उसने पीछे से टक्कर मार दी थी। दुर्घटना के पश्चात उनको काफ़ी चोट आई, उनके सिर में भी चोट आई, ब्रेन हेमरेज हो गया और दुर्घटना दिनांक के पश्चात वो आज भी अनकॉन्शियस अचेत हैं। इस संबंध में विवेक डहरिया की मां के द्वारा जो है एक क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया वाद मित्र के रूप में, और कंपनी की ओर उनकी ओर से अधिवक्ता श्री प्रणय नामदेव उनके द्वारा यह आवेदन याचिका प्रस्तुत की गई थी। और क्लेम प्रकरण था बीमा कंपनी जो है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से, कंपनी की ओर से इंश्योरेंस कंपनी की ओर से अधिवक्ता श्री HD घाटे उनने और श्री प्रणय नामदेव जी ने दोनों ने चर्चा करी समझौते के लिए, पक्षकार जो थे उनके बीच में और न्यायालय के द्वारा भी इसमें योगदान दिया गया। और आज जो है हमारे विशेष न्यायाधीश महोदय के यहाँ खंडपीठ में यह समझौता संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक समझौते में जिन लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई है, योगदान दिया है, उसका मैं जिला न्यायालय की ओर से साधुवाद करता हूँ। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस न्यायालय में, जिला न्यायालय छिंदवाड़ा में इस प्रकार के समझौते हों जिससे कि पक्षकारों को न्याय मिल सके। सबसे बड़ी खूबी लोक अदालत की ये रहती है कि ये यहाँ जो भी अवार्ड पारित किया जाता है, ये अंतिम अवार्ड होता है, इस डिग्री के रूप में क्रियान्वित होता है, इसकी कोई अपील नहीं होती है, तो मुकदमेबाजी का अंत जो है लोक अदालत के माध्यम से होता है। जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विवेक डहरिया नाम का व्यक्ति जो कि HDFC कंपनी अर्गो में प्रबंधक के पद पर कार्यरत था, जिसकी तनख्वाह लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये थी। दुर्घटना के समय वो अपनी कार से बेंगलोर एयरपोर्ट की ओर जा रहा था, दुर्घटनाग्रस्त वाहन ने उसको पीछे से टक्कर मारी, जिससे उसकी कार 2-3 कुलाटी खाने के कारण उसके सिरों में और शरीर में विभिन्न अंगों में बहुत ज़्यादा अधिक चोटें आई थी, जिससे विवेक डहरिया कोमा में चला गया था। कोमा में चले जाने के पश्चात उसकी मां के द्वारा छिंदवाड़ा जिला न्यायालय में, चूँकि उसका क्षेत्राधिकार था क्योंकि यहाँ का वो निवासी था, इसलिए जिला न्यायालय में उसकी माँ के द्वारा यहाँ पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया गया। प्रकरण प्रस्तुत करने के बाद माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री भदौरिया जी के निर्देश में यहाँ पे आवेदक मेरे द्वारा और बीमा कंपनी टाटा MIG बीमा कंपनी के द्वारा समझौता किया गया। बाद मित्र के रूप में विवेक डहरिया की मां ने यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, जो लगभग 1,40,00,000 का था, लेकिन समझौता होने के पश्चात जब यह कैलकुलेशन देखा गया कि
इस स्थिति में दवाइयों का खर्चा, उसके जीवन में आगे उसको क्या खर्चा आना है, उसके भविष्य को क्या नुकसान पहुंचा, ये सब चीज़ों को देखते हुए माननीय न्यायालय और दोनों आवेदक और बीमा कंपनी के बीच में 98 लाख 98 लाख में ये समझौता हुआ, जिसका अवार्ड आज माननीय श्री गोदा साहब के न्यायालय के द्वारा पारित किया गया, जो आवेदक की माँ को प्रदान किया जाए। जिला न्यायालय में आज नेशनल लोक अदालत के दौरान व्यापक इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस भदौरिया ने स्वयं निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को जरूरी निर्देश भी प्रदान किए। बराबर चेकिंग होना चाहिए और आलूवर को लोगों को पद पूछने दीजिए, लड़ाई से रखी है यार। शुरू में जैसा आपने चेकिंग और जिस दिन वो क्या जिस दिन वो केस लगा रहता है वो जी सर हाँ सर वो अलग से अलग से आना चाहिए आते हैं क्या ज़्यादा चेकिंग होने और उस दिन आलूवर को बिल्कुल एंट्री नहीं जी सर है ना क्या काम है केस किसका है क्या उसको अंदर आने दीजिए आलूवर को लोगों मत आने दीजिए है ना इनके मुकदमे है क्या है थोड़ा क्वेरी करिए लोगों कोई भी ऐसा नहीं कि अदालत में आपके घूमते फिरते आ गए यहाँ ठीक है सामाजिक तत्व नहीं पूछना चाहिए पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली पुलिस ने इमलीखेड़ा चौक के पास हुई लूट की वारदात का महज 12 घंटों के अंदर खुलासा किया है। इस वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। पिछली 10 और 11 जुलाई के दरमियानी रात करीब 2:30 बजे जब एक सांवरी की पिकअप गाड़ी थी, किसान हैं जो यहाँ पर कुछ अनाज बेचने आए थे, वह ख़राब होके इमलीखेड़ा तिराहे के पास खड़ी हुई थी बैतूल रोड पर। करीब 2:30 बजे जब वो वहाँ पर लेटे आराम कर रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल यामाहा में 3 युवक आए और उन्होंने इनको पहले तो उठा के धमकाया कि तुमने अपनी गाड़ी से हमें कट मारा है। इनका कहना था हमारी गाड़ी 4 घंटे से यहाँ बिगड़ी खड़ी है। उस बहाने इनने एक व्यक्ति ने डायल 100 को सूचना देने के हिसाब से मोबाइल निकाला तो उसका मोबाइल छुड़ा लिया। दूसरे व्यक्ति ने हथौड़े से सर पे वार किया तो चोट आई, हेड इंजरी आई और काफ़ी ब्लीडिंग हुई। और फिर 400 रुपये और एक और मोबाइल जो प्रार्थी के पास था, 2 मोबाइल ऐसा छुड़ा कर भाग गया। चूँकि पिकअप की पार्किंग लाइट जल रही थी और यामाहा जो मोटरसाइकिल थी वो न्यू वाहन था, नया था, तो उसकी बैकलाइट हेडलाइट काफ़ी तेज़ थी, तो प्रार्थी को मोटरसाइकिल के नंबर देखने में सहूलियत हुई और उसने पुलिस को मोटरसाइकिल का नंबर बताया जो कि MP28NU3427 था। पुलिस ने प्रार्थी धीरज साहू और देवचंद साहू, पिता देवचंद साहू की रिपोर्ट पर 394 लूट का अपराध थाने में पंजीबद्ध किया। पुलिस अधीक्षक महोदय को देर रात ही अवगत कराया गया तो उन्होंने निर्देश जारी किए कि रात में ही हर संभावित स्थानों पर दबिश दी जाए और टीमें अलग अलग रवाना की जाए। रात में थाने से 3 अलग अलग दल बनाकर इमलीखेड़ा बाईपास एरिया
और जो आरटीओ के रजिस्ट्रेशन में जो पता था सनराइज स्कूल के पास चंदन गांव मोटरसाइकिल का, तो इन तीनों चारों इलाकों की कॉम्बिंग कराई गई। रात में हमें मोटरसाइकिल प्राप्त के स्वामी का घर तो पता चल गया, लेकिन ये घर पर था नहीं। सुबह फिर लगातार सर्चिंग करते ये मोटरसाइकिल का ट्रेस हुई और तीनों आरोपियों को पकड़ा गया। इनके पास से लूट के दो मोटरसाइकिल, मारपीट में उपयोग की गई हथौड़ी तथा नगद 400 रुपए जब्त किए गए हैं और आज इनकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की। इसमें पप्पू ठाकुर नाम का जो व्यक्ति है उसका पुराना रिकॉर्ड है। इसमें एक तो अमन बघेल पिता अनिल बघेल हैं, ये 19 वर्ष का है, चंदन गांव में रहता है। दूसरा अखिलेश उर्फ अक्कू, जिसको बोलते हैं अक्कू घोड़ी वाला, तो ये पिता का नाम है कृष्णा देशमुख, ये 21 साल का, ये भी चंदन गांव का रहने वाला है। राहुल सिंह और पप्पू ठाकुर पिता ब्रजेश सिंह ठाकुर, ये शिव मंदिर के पास बरारीपुरा का है। पप्पू ठाकुर के पूर्व में मारपीट के मामले हैं, दो मामले पूर्व में पंजीबद्ध हैं। इनसे अलग अलग मामलों अन्य मामलों में भी पूछताछ की जा रही है। आज शनिवार की सुबह लगभग 7:45 के करीब शहर में दमकल गाड़ियों के हुटर और सायरन गूंज उठे। दरअसल सिल्लेवानी घाटी में एक ट्रक में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, लेकिन मौके पर पहुंच आग पर काबू पाने से पहले समूचा ट्रक जलकर खाक हो चुका था। गनीमत थी ड्राइवर और ट्रक का क्लीनर सही सलामत निकल आए थे। सरसों के तेल से भरा यह ट्रक छिंदवाड़ा से नागपुर की ओर जा रहा था, जब सिल्लेवानी घाट में अनियंत्रित होकर टकराने से डीजल टैंक में स्पार्क इस आग का कारण बना और सरसों के तेल ने आग में घी की तरह काम किया। गुरैया बाईपास के पास अनियंत्रित होकर एक पिकअप और कार में टक्कर हुई ही थी कि तेज रफ्तार बाइक भी इन वाहनों में जा घुसी। बाइक के दोनों सवारों को गंभीर चोटें आई हैं। कहाँ पे हुआ ये? क्या बोलते हैं, गुरैया बाई पर। कहाँ जा रहे थे? ये काम पे आ रहे थे। कहाँ से रहे? पिकअप और इंडिका और मोटर इनकी बाइक। कितने लोग थे? ये दोनों लोग थे, दोनों बाइक थे।
इनसाइट सोसाइटी के तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिए स्कूली बच्चों ने वृक्षारोपण कर रक्षा संकल्प लिया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने मार्गदर्शन प्रदान किया। मथुरा प्रसाद स्कूल, शासकीय तिलक बालक शाला तथा कन्याशाला के बच्चों के साथ इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में नगर निगम कमिश्नर इच्छित गढ़पाले, भाजपा नेता राजेश बैस एवं प्रतिष्ठित व्यवसायी व समाजसेवी किशोर मिगलानी भी शामिल हुए। संचालित हो रही है, लगभग लगभग 150 बच्चे हमारे पास उपलब्ध है और नियमित हम इसके तरफ दृष्टि लगे और शाला के शिक्षक और समाज सेवी संस्थान इस दिशा में आगे हैं। श्रीमती सारिता श्रीवास्तव जो कि इनसाइट सोसाइटी की संयोजक है, श्री आर एस वर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, राजेश सी बैस जी और किशोर मिगलानी जी, साथ में हमारे जो क्षेत्र के पार्षद हैं जयंती राय मैडम, उनके हस्बैंड विकास राय, इन सभी लोगों से हमने संपर्क किया और उन्हें अवगत कराया कि हमें हमारे इस परिषद को हरा भरा बनाना है। तो क्या चीज मुझे देख के सबसे अच्छी लगती है, मेरा बेटा खिलखिलाते हुए मेरे पास आता है, ठीक है। अभी मैं छिंदवाड़ा जब आया पुलिस अधीक्षक होके तो मेरे बच्चे वहीं रह गए थे, ठीक है। मेरा छोटा सा बच्चा इस साल 12वीं क्लास में, कल वो आया, मैं 10 दिन से था, कल वो आया तो जैसे ही उसने देखा मैं वर्दी में था, मेरा पूरा स्टाफ था, लेकिन वो आया उसको कोई मतलब नहीं, उसके लिए तो मैं पापा आके गले लग गया क्योंकि वो 10 दिन से मेरे पास नहीं था। तो जैसे मुझे एक बच्चे को देख के, अपने बच्चे को देख के खुशी होती है, वैसे जो जिसने हम सबको बनाया, किसने हम सबको बनाया, भगवान ने, जो भी आप उसको जिस नाम से दें, उसको भी ऐसी खुशी होती है किस चीजों को देख के, उसके अपने बच्चों को देख के। और वो बच्चे क्या है, आप हम आप इंसान हैं, पेड़ हैं, जानवर हैं, ठीक है। तो इस धरती पे, इस दुनिया में खुशहाली किससे है, जब हमारे आसपास ये सारी चीजें हैं, जिसमें शामिल है पेड़, जिसमें शामिल है पानी, जिसमें शामिल है हवा और स्वस्थ और खुशहाल इंसान। किसी कार्यक्रम में नहीं जाता, मुख्य अतिथि वगैरह बनने से मुझे बहुत परहेज है, और जहां कहीं बच्चों की बात आती है, चाहे वो स्कूल के बच्चों, कॉलेज के बच्चों, मैं बगैर किसी औपचारिकता के चले जाता हूं। उसमें से एक बात किसी एक बच्चे को भी अगर ध्यान रख ले तो इस दुनिया का कुछ भला हो जाएगा। क्या होता है पुलिस अधीक्षक बताओ, जब एक सिपाही का काम है ढूंढे बदमाशों से लोहा लेना, अपराधों को रोकना, तो जो बड़ा सिपाही है उसका काम तो और बड़ा हो गया। उस हिसाब से तो मुझे 10 फीट का होना चाहिए, 150 किलो का होना चाहिए, तब तो मैं एक साथ 10 फीटों से निपट सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इसके होने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास बुद्धि है तो मैं बड़े सिपाही के रूप में अपनी इस टीम के साथ में जनता के सहयोग से बहुत सारे अपराधों का नियंत्रण कर सकता हूँ, इसलिए मैं बड़ा सिपाही। बच्चों के साथ हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, इनसाइड सोसाइटी का मनोबल बढ़ा रहे हैं, इसके लिए हम बहुत हर्षित हैं। बेटा सामने नहीं, ये बेटा है, वृक्षारोपण का यहाँ भव्य कार्यक्रम माननीय पुलिस अधीक्षक और माननीय निगम आयुक्त गढ़पाले जी के द्वारा संपन्न होने जा रहा है। प्रतीक स्वरूप एक दो वृक्ष लगा ले, बाकी वृक्ष बच्चों से कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात बच्चों से, शिक्षकों से और हम सभी से मिलकर मैनेज किया है। और वरिष्ठ अधिवक्ता पालीवाल जी भी वृक्षारोपण स्थान पर उपस्थित हैं, हम उनके भी आभारी हैं। जन शिक्षक महोदय भी वहाँ उपस्थित हैं, सिसोदिया जी, पाटिल जी, वो भी वृक्षारोपण करवा रहे हैं। माननीय अतिथि सिंह गढ़पाले सर भी वृक्षारोपण कर रहे हैं, सचिव सर भी वृक्षारोपण कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। Hello,
शालेय शिक्षा विभाग के खेल कैलेंडर के मुताबिक निर्मल पब्लिक स्कूल में आज विकास खंड स्तरीय खो खो, बॉल बैडमिंटन, कराते, जूडो और रोल बॉल और आर्चरी प्रतियोगिता के मैच खेले गए। शालेय शिक्षा विभाग द्वारा विकासखंड स्तरीय मौकल ब्लॉक खो खो प्रतियोगिता, कराटे प्रतियोगिता, बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता, कूडो प्रतियोगिता का आयोजन निर्मल पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें संस्था प्रमुख योगेश सिंह सिसोदिया, प्राचार्य निर्मल पब्लिक स्कूल के मार्गदर्शन में सुबह 10 बजे शुभारम्भ किया गया, जिसमें मौकल विकासखंड के 200 खिलाड़ी लगभग भाग ले रहे हैं। और आज जो प्रतियोगिता खेली जा रही है विकासखंड स्तरीय चयनित खिलाड़ी जिला स्तरीय प्रतियोगिता पर विकासखंड मौकल का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिले की टीम में सम्मिलित होंगे। और गौरवान्वित है कि सभी खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, अच्छा खेलें, जिला तथा मध्य प्रदेश और राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करें, यही शुभकामनाएं हैं समस्त खिलाड़ियों का। जय हिंद, जय भारत। संपूर्ण सृष्टि के नाथ प्रभु जगन्नाथ आज भक्तों की श्रद्धा के रथ पर सवार होकर सभी को दर्शन देने निकले। प्रभु बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी तो भक्तों ने जगह जगह स्वागत किया और रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं में अपूर्व उत्साह देखा गया।
मध्य प्रदेश नगर निगम और नगर पालिका कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। छिंदवाड़ा नगर निगम में भी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम, नगर पालिका कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश भोपाल के आह्वान पर आज संपूर्ण मध्य प्रदेश की 388 नगरीय निकायों में 14 दिवसीय हड़ताल का दिन है और इस दौरान प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में हमारे कर्मचारी साथी निरंतर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर जो भी हो, किंतु हम ऐसा विश्वास रखते हैं, ऐसी आशा रखते हैं कि हमारी मांगें अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि हमने शासन की सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने का हम पर उत्तरदायित्व शासन ने पहले से निरूपित किया हुआ है। नगरीय निकाय के अधिकारी कर्मचारीगण हम सभी मिलकर के शासन की सभी योजनाओं को पूर्ण करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी जायज मांगे शीघ्र पूर्ण हो, हमें हमारा हक मिले, हमारे कर्मचारी साथियों को समयमान वेतनमान का लाभ मिले। सितंबर 2016 तक के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को भी विनियमितीकरण का लाभ मिले, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब एक बार फिर रुख करते हैं हेडलाइंस की तरफ। जिला न्यायालय परिसर में हुआ नेशनल लोक अदालत का आयोजन, ऐतिहासिक फैसले में मोटर दुर्घटना दावा के अंतर्गत 98 लाख का हर्जाना। सिटी कोतवाली पुलिस की सफलता, 12 घंटों के अंदर लूट का किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। सिल्लेवानी घाटी में दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में लगी आग, ड्राइवर और क्लीनर दोनों सलामत, सरसों के तेल से भरा था ट्रक। और भक्तों के बीच दर्शन देने पहुंचे भगवान जगन्नाथ, भक्तों ने खींचा भगवान का पावन रथ। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।